दुहाई जापना, दुहाई, हमारी मदद कीजिए। कौन हो तुम दोनों? क्या समस्या है तुम दोनों की? जापना, मेरा नाम भरत है, ये मेरा छोटा भाई कैलाश। हम रामपुर के रहने वाले हैं। हमारी छोटी बहन का विवाह फतेहपुर गांव के धनी सेठ पन्ना लाल जी के साथ हुआ है। पन्ना लाल जी हमारी बहन को खुश नहीं रखते जापना। वो हमारी बहन सुरेखा पर अत्याचार करते हैं जापना। बहुत सहा हमने बादशाह हुजूर, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। हमें पूरी बात खुलकर बताओ। सुरेखा, सुरेखा, क्या हुआ स्वामी? क्या है ये? ये तो बाल है। मूर्ख औरत, ये सिर्फ बाल नहीं है, ये तुम्हारा बाल है जो तुम्हारे परोसे गए भोजन में से निकला है। एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। पूरा दिन मेहनत करो और शाम को चैन से खाना भी नहीं नसीब होता। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो ध्यान रखना, तुम्हारा सर मुंडवा दूंगा मैं। भाई पन्ना लाल, आज इतने दिनों बाद मिलकर पुराने दिन याद आ गए। गलती तो तुम्हारी है भाई, मेरे विवाह में भी आने का समय नहीं निकाला था तुमने। भोजन तैयार है। चलो चलो। वाह भाभी, बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई आपने। जरा रुक तो। ओ, बाल था। धन्यवाद मित्र। नहीं किशन, तुम अब ये खीर नहीं खा सकते, इसमें बाल निकला है। तो क्या हुआ मित्र, बाल ही तो है, ये तो छोटी सी बात है। ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है किशन, मेरे लिए नहीं। चेतावनी देने के बावजूद लापरवाही दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब वो होगा जो मैंने तुमसे पहले कहा था, अब तुम्हारा मुंडन होगा। अरे पन्ना लाल, ये क्या कर रहे हो भाई? मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा हो जाता है। अरे नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए, आगे से और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी, माफ कर दीजिए। इस कबाड़ कोठरी से अब तुम कल शाम मुंडन के समय ही निकाली जाओगी। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए, मुझे एक मौका और दीजिए। मुझे अंधेरे से डर लगता है स्वामी, स्वामी माफ कीजिए, स्वामी स्वामी दरवाजा खोलिए, मुझे अंधेरे से डर लगता है स्वामी। तुम मेरी अतिथि थे, परंतु यहाँ तुम्हारा अपमान हो गया, माफ करना किशन। अपमान मेरा नहीं पन्ना लाल, अपमान तो भाभी का हुआ है। भाभी जी, भाभी जी यहाँ। किशन भैया आप? आपके खाने में बाल आया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं भाभी जी, माफी आपको नहीं, मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैं ही पन्ना लाल को ऐसा करने से नहीं रोक पाया, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं कल सुबह फिर से आऊंगा और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। नहीं किशन भैया, उन्हें समझाने का कोई लाभ नहीं, वो मेरा सर मुंडवा कर ही रहेंगे। यदि आप मेरा संदेश मेरे भाइयों तक पहुँचा दे तो शायद कुछ गलत होने से रुक जाए। अवश्य भाभी अवश्य, आप संदेशा दीजिए, मैं अभी आपके गांव चला जाऊंगा। आपकी बहन बहुत बड़ी मुश्किल में है भाई जी, उसे सहायता की जरूरत है। आपने ये संदेश देकर हमारी बहुत मदद की है किशन जी, हम अभी पन्ना लाल जी से मिलने जाएंगे। क्या बात करना चाहते हैं आप मुझसे?
पन्नालाल जी, इतनी छोटी बात पर आप हमारी बहन का मुंडन नहीं करवा सकते? पन्नालाल जी, विवाहित जीवन में पति पत्नी के बीच मतभेद होती रहती है, किंतु इस प्रकार का दंड ये सही नहीं है। मुझे सही गलत सिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये मेरा घर है और मुझे मेरी पत्नी को सजा देने से कोई नहीं रोक सकता। उसका मुंडन आज शाम को ही होगा। अब हम क्या करेंगे? कैसे निकालेंगे सुरेखा को इस मुश्किल से? अब तो हमारी सहायता सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। और इस तरह अपनी बहन पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए हम आपके पास आ गए हुजूर। पति पत्नी के घरेलू मामलों में हमारा दखल देना तो नहीं बनता, लेकिन तुम दोनों के कहे अनुसार पन्नालाल का व्यवहार भी सही नहीं। बिरबल जी, समस्या आपके सामने है। हम चाहते हैं कि आप इस समस्या को कुछ ऐसे सुलझाएं कि पन्नालाल फिर कभी इनकी बहन पर अत्याचार करने का ना सोचे। जरूर जहापना, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कैलाश और भारत को अपना सर मुंडवाना होगा। अगर आप भी अपने दो जल्लादों को लेकर मेरे साथ चलें तो उचित होगा। अपनी बहन पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हम अपना सर मुंडवाने के लिए तैयार हैं। ये दोनों तैयार हैं तो हम भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं बिरबल जी। माफ कर दीजिए स्वामी, माफ कर दीजिए। रुक जाओ पन्नालाल। शुक्र है खुदा का हम सही समय पर आ पहुंचे। आरती और बाकी का सामान यहां आंगन में रख दो। आदाब बादशाह हुजूर, ये बीरबल जी क्या कर रहे हैं हुजूर? यहां तो किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, फिर ये सब किस लिए? और तुम दोनों ने अपने सर क्यों मुंडवा लिए? कोई हमें बताएगा कि ये सब हो क्या रहा है? पन्नालाल जी, आपका देहांत होने वाला है, उसी की तैयारी कर रहे हैं हम। मेरा देहांत होने वाला है? ये क्या कह रहे हो तुम कैलाश? मैं आपको समझाता हूँ पन्नालाल जी। आज आप एक छोटी सी गलती के कारण कैलाश और भारत की बहन का मुंडन कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों ने आपसे ऐसा ना करने की प्रार्थना की, जिसे आपने ठुकरा दिया। किंतु धर्म के अनुसार एक स्त्री का मुंडन पति के मृत्यु के बाद ही किया जाता है। इसीलिए बादशाह अकबर की इजाजत से हम आपकी पत्नी के मुंडन से पहले आपको मार देंगे। हम जल्लाद साथ ही लाए हैं। जल्लादों, अपना काम शुरू करो। इन्हें रोक लीजिए बिरबल जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। सही समय पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया पन्नालाल। जरा सी देर होती तो तुम्हारी पत्नी का मुंडन हो ही जाता। स्त्री संसार की निर्माता है पन्नालाल जी, उसका सम्मान करना सीखिए। अगर आज के बाद फिर कभी। नहीं बीरबल जी, मैं आपको और बादशाह हुजूर को वचन देता हूँ कि आज के बाद सुरेखा और उसके भाइयों को कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रहे पन्नालाल, अगर तुमने ये वचन तोड़ा तो मेरे जल्लादों को याद कर लेना। आइए बिरबल जी,
बादशाह अकबर जिंदाबाद, बीरबल जी जिंदाबाद। आदाब जहांपनाह। आदाब जयदेव जी। अच्छा हुआ आप चले आए, वरना हम आपको बुलाने ही वाले थे। उम्मीद है आपने हमारा चित्र पूरा कर लिया होगा। नहीं जहांपनाह, आपका चित्र अभी तक अधूरा है। आप तो चुटकियों में चित्र बना लेते हैं जयदेव जी, फिर इतनी देरी की वजह? मैं परेशान था हुजूर। दरअसल कुछ दिन पहले राज्य के अमीर सेठ रतनलाल जी ने मुझे अपना चित्र बनाने के लिए बुलाया था। तो आप हैं शाही चित्रकार? सुना है आप एक बार जिसे देख लेते हैं उसका हूबहू चित्र बना लेते हैं। सही सुना है आपने सेठ जी, लेकिन मैं चित्र बनाने के लिए सोने की पूरी एक अशर्फी लेता हूँ। हम एक नहीं दो सोने की अशर्फियाँ देंगे, मगर एक शर्त है। आपका बनाया चित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम जब भी देखें वो हमारे जैसा ही दिखे। ये कैसी शर्त है? इनका चित्र तो इनके जैसा ही तो दिखेगा। अब मुझे मंजूर है सेठ जी, मैं आपसे कल आकर मिलता हूँ। सेठ जी, अशर्फी निकाल लीजिए, आपका चित्र तैयार है। पहले चित्र तो देखने दीजिए जयदेव जी। जयदेव जी, ये चित्र तो हम जैसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं सेठ जी, ये आपका ही चित्र है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये देखिए, इस चित्र में हमारी दाढ़ी है, लेकिन हमारी तो कोई दाढ़ी है ही नहीं। हमारे शर्त के मुताबिक आप हार चुके हैं जयदेव जी। मुझे एक मौका और दीजिए सेठ जी, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जैसा आप कहें, लेकिन इस बार आपको हमारा चित्र यही बनाना होगा ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। हम जितनी देर यहाँ झूले पर बैठकर आराम करते हैं उतनी ही देर में आप चित्र बना लीजिए। सेवक, चित्र बन गया है। सेठ जी के उठने पर उन्हें बता दीजिएगा कि मैं इस चित्र की कमियों को दूर करके कल इसी समय आऊंगा। जयदेव, कल अगर दाढ़ी की जगह रतनलाल जी ने मुझे भी कटवा ली तो? इसका भी हल है, मैं कल एक नहीं बल्कि दो चित्र लगाऊंगा, एक मूछों वाला, दूसरा बिना मूछों वाला। प्रणाम सेठ जी। कहिए जयदेव जी, क्या चित्र पूरा हो गया? जी सेठ जी, हो गया। इन्होंने तो मूछे नहीं काटी, बल्कि हुलिया भी कल जैसा ही है। मतलब मुझे मूछों वाली तस्वीर ही दिखानी चाहिए। जल्दी दिखाइए, क्या बनाया है आपने? ये क्या है जयदेव जी, इस बार भी चित्र गलत है। नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, आपके इस चित्र में हमारी आंखें बंद हैं, लेकिन हमारी तो खुली हैं। देखिए। लेकिन सेठ जी, कल जब आपकी तस्वीर बना रहा था तब आपकी आंखें बंद थी। ये सब हम नहीं जानते। याद कीजिए हमारी शर्त। हमने कहा था कि चित्र ऐसा होना चाहिए कि जिसे हम जब भी देखें वो हमारे जैसा ही दिखे। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप जैसा साधारण चित्रकार शाही चित्रकार कैसे बन गया। गाय भैंस पाल कर गुजारा कीजिए जयदेव जी, रंगों से खेलना आपके बस की बात नहीं। शर्त आपने लगाई थी जयदेव जी, जिसे आप पूरा नहीं कर पाए, इसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? हुजूर, मैं सारे चित्र अपने साथ लाया हूँ। अगर कोई ये कह दे कि ये सभी चित्र एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, तो मैं आज ही चित्रकारी करना छोड़ दूंगा। लेकिन अगर चित्र एक ही व्यक्ति के लगें, तो मुझे न्याय चाहिए जहाँ बना।
रतनलाल जी ने अपनी शर्त में उलझाकर मेरी कला का अपमान किया है। कहिए जापना, क्या ये एक ही व्यक्ति के चित्र नहीं है? बाकी दरबारियों को भी दिखाइए। बादशाह हुजूर, सभी चित्र हूबहू रतनलाल जी के ही हैं। सारे चित्र आपके सामने हैं और फरियादी भी, तो क्या आप जयदेव जी को न्याय दिला सकते हैं? जहां पना, बेशक ये चित्र रतनलाल जी के ही हैं, मगर शर्त पर ये तस्वीरें खरी नहीं उतरती। ऐसे में रतनलाल जी गलत नहीं हैं बादशाह हुजूर। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है सुखदेव जी, कि रतनलाल ने जयदेव जी की कला का अपमान किया है। न्याय तो बनता है। बिरबल जी, क्या आप जयदेव जी को उनका सम्मान दिला सकते हैं? मैं पूरी कोशिश करूंगा जहांपनाह। कोशिशें ही कामयाब होती हैं बिरबल जी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। सेठ जी, जयदेव का प्रणाम स्वीकार कीजिए। तुम शर्त हारने के बाद क्या लेने आए हो यहाँ? दो बार हारने के बाद मैं आपसे एक आखिरी मौका मांगने आया हूँ सेठ जी। इस बार मैंने आपका एक ऐसा चित्र बनाया है जिसे आप जब भी देखेंगे वो आपके जैसा ही दिखेगा। ऐसी बात है तो दिया आखिरी मौका, दिखाओ चित्र। ये क्या बेहुदा मजाक है, ये तो आईना है, चित्र कहाँ है? ये तो वो चित्र है जो आप बनवाना चाहते थे रतनलाल जी। प्रणाम बीरबल जी। आदाब जहांपनाह, आप दोनों यहाँ? मुझे बुला लिया होता। आपको बुलाना जरूरी होता तो हम बुला लेते रतनलाल जी, लेकिन आपने हालात ही कुछ ऐसे बना दिए कि जहांपनाह और मुझे ही यहाँ आना पड़ा। चलिए बताइए, जयदेव जी का यह चित्र हूबहू आपके जैसा दिखता है या नहीं? हुजूर, वो दरअसल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ रतनलाल जी, जो भी चित्र आपने अभी देखा उसके हाव भाव आपसे हूबहू मेल खाते हैं, उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं। इस चित्र को आप 10-20 साल बाद भी देखेंगे तो भी वो आप जैसा ही दिखेगा। कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने रतनलाल जी? आपने बिल्कुल सही कहा है बीरबल जी। इतने धनी होने के बावजूद आपने केवल 2 अशरफियों के लिए जयदेव जी की कला का अपमान कर दिया। क्यों रतनलाल, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं जहांपनाह, बात 2 अशरफियों की नहीं है, बात तो कुछ और ही है। कैसे? बादशाह हुजूर, मेरे एक मित्र हैं अब्बास बेग, पेशे से वो भी एक बेहतरीन चित्रकार हैं। आपकी शाही चित्रकार नियुक्त की जाने वाली प्रतियोगिता में उसने भी हिस्सा लिया था। उन्हें शाही चित्रकार की नौकरी की सख्त जरूरत थी। सभी चित्रों को देखने के बाद हमें 2 चित्र बेहद पसंद आए हैं। पहला, जिसमें एक गरीब महिला अपने बच्चों को खाना खिला रही है। लेकिन हमें दूसरा चित्र पहले से ज्यादा अच्छा लगा। इस चित्र को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे हम आईना देख रहे हैं। इसीलिए इस चित्र को बनाने वाले जयदेव को हम शाही चित्रकार नियुक्त करते हैं। शुक्रिया हुजूर। बधाई हो जयदेव। मैं तो हूँ ही बधाई का पात्र, लेकिन तुम्हें रंगों का इतना ज्ञान नहीं है अब्बास, अभी बच्चे हो तुम, रंगों से खेलना छोड़ दो। इसके शब्दों ने मेरे दोस्त को तोड़ कर रख दिया जहांपनाह, उसने चित्रकारी छोड़ दी। लेकिन मुझे और भी हैरानी हुई जब मुझे ये पता चला कि जयदेव अब्बास का गुरु भाई है। गुरु भाई तो हौसला बढ़ाता है जहांपनाह, अपमान नहीं करता। बस तभी मैंने जयदेव के साथ वही करने का फैसला कर लिया जो इसने अब्बास के साथ किया था। बाकी सब आपके सामने है हुजूर। रतनलाल जी जो कह रहे हैं, क्या वो सही है जयदेव जी? आपकी चुप्पी का मतलब हम समझ गए जयदेव जी। मामला तो एकदम उल्टी दिशा में घूम गया है बिरबल जी। अब आपका न्याय क्या कहता है? जहांपनाह,
मेरा न्याय कहता है कि रतनलाल जी ने सच्ची मित्रता निभाई है, ये बेकसूर हैं। लेकिन जयदेव जी ने अपने कला के घमंड में अपने गुरु भाई पर शब्दों की चोट की है, जो कि तलवार की चोट से भी ज्यादा घातक होती है। इसीलिए इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। जयदेव जी, कला की ऊंचाइयों को छूने के लिए आपको अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की कला का सम्मान करना भी सीखना होगा। इसीलिए सजा के तौर पर आपको पूरे प्रेम भाव से अब्बास और रतनलाल जी की दोस्ती का एक बेहतरीन चित्र बनाकर इन्हें तोहफे में देना होगा। इतनी खूबसूरत सजा पाकर मैं धन्य हो गया बीरबल जी। मुझे गलती सुधारने का मौका देकर आपने सिद्ध कर दिया कि आपके जैसा बुद्धिमान और न्यायकर्ता इस वक्त पूरे संसार में कोई नहीं है। न्याय अभी पूरा नहीं हुआ जयदेव, सजा अभी बाकी है। रतनलाल और अब्बास का चित्र बनाने के बाद आपको और अब्बास दोनों को मिलकर हमारी और बीरबल जी की मित्रता का भी एक चित्र बनाना होगा। आज से हम अब्बास को भी शाही चित्रकार नियुक्त करते हैं। अब न्याय पूरा हुआ। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बीरबल जिंदाबाद। क्या अगली पहेली के लिए आप तैयार हैं महाराज? पूछो, इतना तो पक्का है कि हम बता ही देंगे। दो लड़कियां बड़ी सुंदर, साथ हो तो बोले चपर चपर, मगर अगर एक अलग हो जाए तो दूसरी की बोलती बंद हो जाए, ना फिर कोई काम आए, बताइए कौन? ये कैसी पहेली? दो लड़कियां बड़ी सुंदर, कहीं हाथ तो नहीं? नहीं नहीं, हाथ होते तो चपर चपर कैसे करेंगी? तलवार, तलवार तो म्यान में सिर्फ एक ही होती है, तो फिर क्या हो सकता है? चलिए तेजा राम जी, हमने हार मान ली, अब आप ही बता दीजिए क्या है इस पहेली का उत्तर। पैर की जूतियां महाराज। दो लड़कियां बड़ी सुंदर, ये दो हैं, जब भी चलती हैं तो आवाज होती है चपर चपर, अगर एक गुम हो जाती है या खराब हो जाती है तो दूसरी का कोई काम नहीं होता। ये तो बहुत ही आसान पहेली थी और हम इसका भी जवाब नहीं दे पाए। एक बात बताइए तेजाराम जी, आप इतनी अनोखी पहेलियां लाते कहां से हैं? महाराज, बादशाह अकबर के खास सलाहकार बीरबल जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं जब भी फतेहपुर सीकरी जाता हूँ तो उनसे जरूर मिलता हूँ। उनसे जीवन ज्ञान तो मिलता ही है, लगे हाथ ये पहेलियाँ भी सीखने को मिल जाती हैं। उनसे समझदार व्यक्ति इस समय दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन हम आपकी ये बात नहीं मानते तेजाराम जी कि बीरबल से बुद्धिमान कोई दूसरा है ही नहीं। महाराज, बीरबल की बुद्धि को टक्कर देने की कोशिश कई देशों के राजा महाराजा कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी उनसे जीत नहीं पाया। अगर चाहें तो आप भी उन्हें आजमा सकते हैं। ऐसी बात है तेजाराम जी, तो ठीक है, हम उन्हें जरूर आजमाएंगे। विष्णु जी। जी महाराज। आप अभी और इसी वक्त फतेहपुर सिकरी रवाना हो जाएं और हमारे दूत की हैसियत से बादशाह अकबर से कहिए कि हम उनसे समझदारी से भरा एक घड़ा चाहते हैं। समझदारी से भरा घड़ा? जी हाँ शहंशाह हिंदुस्तान, समझदारी से भरा घड़ा। समझदारी से भरा घड़ा, आखिर ये भला है क्या? हमने तो इस तरह के घड़े के बारे में कभी नहीं सुना, फिर इन्हें कहां से लाकर दें ये घड़ा? रहमत खान, ये समझदारी का घड़ा क्या होता है? मुझे क्या पता खुदा बख्श जी, मैंने तो अब तक सिर्फ दो ही घड़े देखे हैं, एक पानी से भरा और दूसरा लस्सी से भरा। ये समझदारी से भरा घड़ा ना तो कभी देखा है ना ही कभी सुना है। मुझे तो ऐसा लगता है मंसूर के राजा जहाँपना से मजाक कर रहे हैं। अगर हमने विष्णु जी को बिना घड़े के भेज दिया तो हमारा बहुत अपमान होगा। सुखदेव जी। जी जहाँपना। क्या आप राजा यशोवर्धन जी को समझदारी का घड़ा भेजना चाहेंगे? माफी जहाँपना, मुझे समझदारी से भरे घड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं इसका इंतजाम नहीं कर पाऊंगा। बीरबल जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? राजा यशोवर्धन जी ने समझदारी से भरा घड़ा मांगा है तो उन्हें घड़ा मिल जाएगा जहां बना, लेकिन उसे भरने के लिए मुझे एक महीने का समय चाहिए। आप जानते हैं ना बीरबल जी कि आप किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं?
जी जहांपना, मैं जानता हूँ। हमें खुशी हुई बिरबल जी कि आपने हमारी उम्मीद को टूटने नहीं दिया। विष्णु जी, जाकर यशोवर्धन जी से कह दीजिए कि एक महीने बाद आकर वो समझदारी से भरा घड़ा ले जा सकते हैं। जी शहंशाह हिंद, आदाब। लाओ, मुझे एक घड़ा दो। अब बाकी घड़ों को भी इसी तरह से तैयार करके दूसरे फलों पर रख दो। सेवकराम, तुम्हें इन घड़ों का खास ध्यान रखना है। समय पर पानी, खाद सब देते रहना। ये घड़े और फल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। चिंता ना करें हुजूर, मैं इनका पूरी तरह से ध्यान रखूंगा। बिरबल जी, इतने दिन गुजर चुके हैं, क्या अब तक आपका घड़ा समझदारी से भरा नहीं? जी नहीं जहांपनाह, मुझे उस घड़े को भरने के लिए लगभग 7-8 दिन और चाहिए। बिरबल जी, कोशिश कीजिएगा कि राजा यशोवर्धन के आने से पहले आपका घड़ा समझदारी से भर जाए। आपने बुलाया महाराज? विष्णु जी, समझदारी से भरा घड़ा लेने का समय हो चुका है। कल सुबह फतेहपुर सीकरी चलने की तैयारी कीजिए। हम भी तो देखें बिरबल घड़ा समझदारी से भर रहे हैं या मूर्खता से। बीरबल ने हवा में तीर छोड़ा है महाराज। मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस तिगड़म से पार पाना उसके बस की बात नहीं। शहंशाहों के शहंशाह, जिल्ले इलाही, बादशाह अकबर पधार रहे हैं। बीरबल जी आज आए नहीं? जी नहीं हुजूर, अब तक नहीं आए और ना ही उनका कोई संदेश आया है। ठीक है, दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए। जहांपनाह, मंदसौर के राजा यशोवर्धन जी से आपने समझदारी का घड़ा भरने के लिए एक महीने का समय मांगा था, जो पूरा हो चुका है। इसलिए राजा यशोवर्धन तय वक्त पर समझदारी से भरा घड़ा लेने पधार चुके हैं। हमें उनके आने की खबर है सुखदेव जी, उन्हें दरबार में बुलाया जाए। सिपाही, मंदसौर के राजा यशोवर्धन बादशाह अकबर के दरबार में पधार रहे हैं। आदाब शहंशाह। आदाब यशोवर्धन जी। हमने आपसे समझदारी से भरा घड़ा मांगा था, यदि वो भर चुका है तो हम उसे लेने आए हैं। बहुत सही समय पर आए हैं आप घड़ा लेने यशोवर्धन जी। आप यशोवर्धन जी, ये बिरबल जी हैं, हमारे सबसे खास सलाहकार। तो क्या आप समझदारी से भरा घड़ा साथ लेकर आए हैं बिरबल जी? जी जहांपनाह। सिपाही, घड़ा लेकर आइए। नामुमकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? कोई समझदारी को घड़े में कैसे भर सकता है? ये लीजिए महाराज, आपका समझदारी से भरा घड़ा। लेकिन घड़े में समझदारी देखने से पहले मेरी एक शर्त है महाराज। कैसी शर्त? शर्त सिर्फ इतनी सी है महाराज कि समझदारी को घड़े से बाहर निकालते समय न तो इसे कोई खरोंच आनी चाहिए और ना ही घड़े को। मंजूर है। तरबूज? इतना बड़ा तरबूज घड़े के अंदर कैसे गया? मान गए आपको बिरबल, ये घड़ा तो आपने सचमुच समझदारी से भर दिया। हम आपकी चतुराई का प्रमाण देखना चाहते थे बिरबल। इतनी बड़ी समझदारी को घड़े में भरकर
आपने हमें अपना प्रशंसक बना लिया है। शहंशाह, समझदारी से भरे इस घड़े के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें आज्ञा दीजिए। बिरबल जी, समझदारी से भरा घड़ा राजा यशोवर्धन जी को देने से पहले कम से कम हमें तो दिखा देते, ताकि हम भी जान लेते कि आपने उसे कैसे भरा है। उदास मत होइए जहांपना, मेरे पास ऐसे 6 घड़े और हैं। सिपाही, वाह बिरबल जी, वाह वाह बिरबल जी, आपने तो कमाल कर दिया। आप सच में बेजोड़ हैं। हम चाहते हैं कि समझदारी से भरा ये घड़ा दरबार में सभी को दिखाया जाए। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आप समझदारी को इस तरह घड़े में भर देंगे। बीरबल जी, ये सोच सच में लाजवाब है। समझदारी से घड़े तो भरते हुए हमने देखे हैं, लेकिन समझदारी को घड़े में भरते हुए हमने पहली बार देखा है। आपने इस चुनौती को हल करके हमारी सल्तनत को बेइज्जत होने से बचाया है बिरबल जी। लेकिन हमारा सवाल ये है कि आपने तरबूज को घड़े में भरा तो भरा कैसे? जापना, समझदारी से भरे घड़े जैसी कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन विष्णु जी ने जब हमसे ऐसे किसी घड़े की मांग की, तो मैं समझ गया कि यशोवर्धन जी ने हमारे पास कोई चुनौती भेजी है। बस जहांपना, उस चुनौती को हल करने का सोचते सोचते ये उपाय निकल आया। वैसे बिना समझदारी के तरबूज को घड़े में उगाना आसान नहीं था जहांपना। आपकी बुद्धि की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है बिरबल जी। आप हमारे दरबार के सबसे ज्यादा होनहार रत्न है। बादशाह अकबर जिंदाबाद, मंत्री बिरबल जिंदाबाद। आदाब जहांपना। आदाब बिरबल जी, कहिए कैसे आना हुआ? अगले महीने होने वाले सालाना जलसे के बारे में आपसे कुछ चर्चा करनी थी। इस बारे में हम कल चर्चा करेंगे बिरबल जी, इस वक्त हम बेहद परेशान हैं। दरअसल हमारी माँ के गुजर जाने के बाद जिन्होंने हमें अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, आज उनके बेटे और हमारे भाई आदम बेहद खराब वक्त से गुजर रहे हैं। हम उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान हैं। जहांपना, मुझे उनके बारे में पूरी खबर है। अपनी बुरी आदतों की वजह से वे सर से लेके पांव तक कर्जे में डूबे हुए हैं। आदतें सुधारी भी जा सकती हैं बिरबल जी, उनके सारे कर्जे उतारने का आदेश दे दीजिए और उन्हें हमारे पास लेकर आइए। हम मिलना चाहते हैं उनसे। जहांपना, आपके भाई आदम जी आपसे मिलने आए हैं। हो आदम, कैसे हो मेरे भाई? मैं ठीक हूं शहंशाह, मुझे खुशी है आप मुझे भूले नहीं। हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, तुम भाई हो मेरे, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। हमें जैसे ही तुम्हारी तंग हालत के बारे में पता चला तो हमने तुम्हारे सारे कर्जे चुकाने के लिए कह दिया, और साथ ही हम तुम्हें आज और इसी वक्त से राज्य का महामंत्री बनाते हैं। शुक्रिया शहंशाह, मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आइए जहांपना, मेरे दुकान पर आपका स्वागत है। ये देखिए जहांपना, ये गुड़ देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है हुजूर, जुबान पर रखते ही घुल जाएगा। मगर इस पर तो चींटियां लगी हुई हैं व्यापारी। हुजूर, ये चींटियां होना तो गुड़ के बेहद मीठा होने का प्रमाण है। आदम, तुम्हारा क्या ख्याल है, सालाना जलसे में बनने वाले पकवानों के लिए क्या ये गुड़ खरीदा जाए? जरूर जहांपना, मैं व्यापारी के बात से सहमत हूँ।
ये चींटियाँ गुड़ के बेहद मीठे होने का प्रमाण ही है, हमें ये खरीद लेना चाहिए। और आपका क्या विचार है बिरबल जी? हुजूर, मीठा चाहे कम हो या ज्यादा, चींटियाँ उस पर आ ही जाती हैं और अपने साथ धूल मिट्टी और गंदगी भी लाती हैं। जरूरत से ज्यादा चींटियों का गुड़ पर होना सेहत के लिए सही नहीं, हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए जहाँ पना। आपने सही कहा बिरबल जी। व्यापारी, अगली बार हमें तुम्हारे गुड़ पर चींटियां नहीं मिलनी चाहिए, अगर मिली तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी, मैं ध्यान रखूंगा हुजूर। जहां पना, सभी पहलुओं पर गौर करने के बाद न्याय ये कहता है कि गाय पर केवल प्यारे लाल जी का अधिकार है, भूरे लाल का नहीं। सही कहा आपने बिरबल। तो सुन लिया आप लोगों ने, न्याय हो चुका, गायें प्यारे लाल की हैं। अगले फरियादी को भेजिए। बादशाह अकबर अपनी हर समस्या को सुलझाने के लिए बीरबल से ही पूछते हैं। बीरबल जी ने अपनी बुद्धि से उनकी जिंदगी आसान बना रखी है। मुझे भी बीरबल जैसा व्यक्ति चाहिए। जहां पना इस वक्त अकेले हैं, यही सही मौका है इनसे अपनी बात कहने का। जहां पना, मुझे आपसे कुछ कहना है। मेरे भाई, तुम्हें अपनी बात कहने के लिए हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है बेखौफ होकर कहो। जहांपना, वो आपने मुझे महामंत्री तो बना दिया, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से मैं महल के सभी मसलों पर ध्यान नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। और वैसे भी जो भी मसला तुम्हें परेशान करेगा, बिरबल उसे हल कर देंगे। जहांपना, अगर अपने मसलों को मैं खुद ही सुलझाता हूँ तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, मगर ऐसा तभी हो पाएगा हुजूर, जब आप मुझे भी बीरबल जी जैसा ही कोई सलाहकार दिलवा देंगे, जो उन्हीं के जैसा समझदार हो। समझदार क्या, बल्कि ऐसा लगे जहांपना जैसे वो उनके ही भाई हैं। ठीक है आदम, तुम खाना खाओ। हम जल्द ही तुम्हारे लिए एक ऐसा सलाहकार ढूंढ कर लाएंगे जो बीरबल जैसा ही होगा। आपने मुझे याद किया जहांपना। हाँ बिरबल, हमें आपसे एक बहुत ही जरूरी काम है। हुकुम कीजिए जहांपना। बिरबल जी, आदम की ख्वाहिश है कि हम उसे बिल्कुल आप जैसा एक सलाहकार ढूंढ कर दें, जो आप ही की तरह समझदार हो और वो तभी मुंह खोले जब उसे बोलने के लिए कहा जाए। बस यूं समझ लीजिए, उन्हें उनकी संगत में ऐसा महसूस हो कि जैसे वो आप ही के भाई हैं। हुजूर, हमारे दरबार में ऐसे कई चतुर दरबारी मौजूद हैं जो समझदार होने के साथ साथ राज्य के कार्य की जानकारी भी रखते हैं, जैसे सुखदेव जी, खुदा बख्श जी। क्यों ना आप उनमें से किसी को आदम जी का सलाहकार नियुक्त कर दें? बेशक वो समझदार हैं बिरबल जी, लेकिन वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। आदम हमारे भाई हैं, उनकी माँ ने हम में और उनमें कभी कोई फर्क नहीं किया, इसलिए हम भी कोई फर्क नहीं कर सकते। अब आपको तो हम उन्हें दे नहीं पाएंगे, मगर आप जैसा कोई सलाहकार उन्हें देकर हम उनकी ख्वाहिश जरूर पूरी कर सकते हैं। लेकिन जहांपना, हम कुछ नहीं सुनना चाहते बिरबल जी। आपको जल्द से जल्द किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो हर लिहाज से आपका भाई लगना ही चाहिए। ये कौन सी नई मुश्किल में डाल दिया जहांपना ने। अब मैं अपने जैसा व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं? जहांपना, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने आदम जी के लिए एक सलाहकार ढूंढ लिया है। वाह बिरबल जी, आपने तो एक ही दिन में मसला सुलझा दिया।
हम भी उस शख्स से मिलने को बेताब हैं, जो आप ही की तरह समझदार और बुद्धिमान है। चलिए। कहाँ है वो सलाहकार बिरबल जी, जो बिल्कुल आप ही के जैसा है? वो रहा हुजूर। ये क्या है बिरबल जी? आपने तो कहा था कि आप अपने साथ कोई अपने जैसा सलाहकार लाए हैं, पर ये बैल, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है बिरबल जी। आप गलत ना समझे जहापना, असल में ये मेरा ही भाई है जो आदम जी के लिए उत्तम सलाहकार साबित होगा। क्या? ये क्या मजाक है बिरबल जी? ये बैल आपका भाई कैसे हो सकता है? ये मजाक नहीं है जहापना, सच है। ये बैल मेरा भाई ही है। बचपन में हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया था, उस नाते ये मेरा भाई हुआ। आदम जी के लिए इससे अच्छा सलाहकार और कोई हो ही नहीं सकता। मेरा ये भाई उतने ही धैर्य से आपके भाई आदम जी की बातें सुनेगा जितने धैर्य से मैं आपकी बातें सुनता हूँ। ओ बिरबल जी, तो इस बार हमें अपनी गलती समझाने के लिए आपको बैल को अपना भाई बनाना पड़ा। हमें समझना चाहिए था कि जिस तरह हम जैसे सिर्फ हम हैं, आदम हम जैसा नहीं हो सकता, उसी तरह आप जैसे सिर्फ आप ही हो सकते हैं, आपका कोई भाई नहीं। तो इसीलिए अब हम आदम खान के लिए सुखदेव जी को उनका सलाहकार नियुक्त कर देंगे। जहापना, आप तो समझ गए, लेकिन अब मैं अपने भाई को क्या समझाऊं? अपने भाई से कहिए कि हमारे पास पहले से ही एक उम्दा सलाहकार मौजूद है, जो लाखों में एक है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। धन्यवाद जहापना।